बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन, स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट है EVS 2। जमात चारुम, चौथी जमात। मजमून माहौलियात, हिस्सा दुआ। सबक नंबर 13, बादशाह की कैद से फरार। बादशाह की कैद से फरार। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो सबक नंबर 13 है, बादशाह की कैद से फरार। सबक नंबर 13, बादशाह की कैद से फरार अहम निकात है। शिवाजी महाराज की बेबाकी, शहंशाह का वादा वफा न करना, टोकरों में बैठकर फरार होना। जय सिंह पर भरोसा करके शिवाजी महाराज बादशाह से मुलाकात के लिए आगरा रवाना हुए। जाने से कबल उन्होंने स्वराज का इंतजाम जीजा माता को सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। और बादशाह से मुलाकात के लिए आगरा रवाना हुए। अपने बेटे संभाजी राजे मुंतखबा सरदार, कुछ वफादार सिपाही और काफी रुपया पैसा अपने हमरा रखा और मंजिल बा मंजिल आगरा पहुंचे। शिवाजी महाराज जो है मंजिल बा मंजिल आगरा पहुंच गए। आगरा कहां गए? शहंशाह के दरबार में। शिवाजी महाराज की बेबाकी, शिवाजी महाराज की बेबाकी। शिवाजी महाराज शहंशाह के दरबार में पहुंचे, छोटे संभाजी राजे भी साथ थे। शिवाजी महाराज शहंशाह के दरबार में पहुंचे, उस रोज शहंशाह औरंगजेब की 50वीं सालगिरह थी।
शहंशाह ने दरबार बर्खास्त किया और सलाह व मशवरे के लिए महल में आ गए। यहां शहंशाह के सामने खास खास सरदार अपने रुतबे के एतबार से खड़े थे। शिवाजी महाराज को पिछली कतार में खड़ा किया, जो खास सरदार थे रुतबे के मुताबिक बादशाह ने उन सबको आगे आगे जगह दी, कतार में आगे जगह दी। शहंशाह ने शिवाजी महाराज को पिछली कतार में खड़ा किया। मराठों को कई मर्तबा पीठ दिखाकर भागने वाले जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज के आगे की कतार में खड़े थे। शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि हम महाराष्ट्र के राजा हैं, रुतबे के मुताबिक हमारा मकाम पहली सफ में होना चाहिए, लेकिन शहंशाह ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। गुस्से की हालत में वो महल से बाहर निकले और अपनी रहाइश गाह के मकाम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने तय किया कि अब वो शहंशाह से कभी नहीं मिलेंगे। महल में जो वाकया हुआ उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। शिवाजी महाराज ने क्या तय किया? उन्होंने तय किया कि अब वो शहंशाह से कभी नहीं मिलेंगे और गुस्से की हालत में वो महल से बाहर निकले और अपनी रिहाइश गाह की मुकाम की तरफ रवाना हो गए, जहां वो ठहरे हुए थे। महल में जो वाकया हुआ, जिस तरह से शिवाजी महाराज गुस्से से महल के बाहर निकल गए और उन्होंने इस तरह से बेबाकी दिखाई, तो इस वाकये की शोहरत जो है वो हर तरफ फैल गई। शहंशाह का वादा वफा ना करना। शहंशाह का वादा वफा ना करना। शहंशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की रिहाइश के गिर्द सिपाहियों का पहरा लगा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह की कैद में फंस गए। शिवाजी महाराज ने भाप लिया कि शहंशाह ने उनके साथ वफा नहीं की, अब वो कभी उन्हें रिहा नहीं करेंगे। तो शहंशाह ने शिवाजी महाराज और संभाजी दोनों को कैद कर लिया था, उन पर नजर रखी जा रही थी और जहां वो रुके हुए थे उसके गिर्द जो है सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया था। दिन गुजरने लगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने शहंशाह से दरख्वास्त की, हमें महाराष्ट्र जाने दें, लेकिन शहंशाह ने उस पर कोई तवज्जे नहीं दी। उन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन शहंशाह ने उनकी एक बात नहीं मानी। शिवाजी महाराज ने अपने दिल में ठान ली कि वो किसी ना किसी तरह शहंशाह की कैद से रिहाई हासिल करेंगे। तो बादशाह की इजाजत से उन्होंने अपने साथ लाए हुए अफराद को दक्कन रवाना किया। बादशाह की कैद से फरार होने के लिए शिवाजी महाराज ने तरकीब सोची और उन्होंने ठान लिया था कि मैं किसी तरह से भी यहाँ से रिहाई हासिल करूँगा, कैद से रिहाई हासिल करूँगा। इसी तहत उन्होंने अपने साथ लाए हुए अफराद को दक्कन
रवाना किया। शहंशाह को लगा, चलो अच्छा ही हुआ कि इस तरह शिवाजी की ताकत कम हो गई। इस तरह अब शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजे, हीरोजी, फरजंद और मदारी मेहतर जैसे खिदमतगार ही रह गए। कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया कि उनके पेट में शदीद दर्द की लहरें उठने लगी हैं। किसकी तबीयत खराब हुई? शिवाजी महाराज की। उनके पेट में शदीद दर्द हो रहा है, इस तरह से उन्होंने बहाना बनाया और हकीम वैद्य आए। हकीम और वैद्य आए, इलाज और मुआलजा शुरू हुआ। तो जब शिवाजी महाराज ने ये बहाना बनाया कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा बहुत शदीद दर्द की लहरें उठने लगी हैं, तो फिर उनके लिए हकीम और वैद्य को बुलाए गए। पहले जमाने में इलाज करने के लिए हकीम और वैद्य होते थे, जिस तरह आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, उसी तरह उस जमाने में हकीम और वैद्य इलाज किया करते थे। शिवाजी महाराज की सेहत के लिए सभी फिक्रमंद थे। शिवाजी महाराज ने सेहतयाबी के लिए साधुओं और मौलवियों को मिठाई के टोकरे रवाना करना शुरू किए। टोकरों में बैठकर फरार होना, टोकरों में बैठकर फरार होना। इब्तिदा में पहरेदार मिठाई के टोकरों को खोल कर देखा करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद रोज रोज के काम से उकता कर उन्होंने देखना बंद कर दिया। एक रोज शाम में शिवाजी महाराज, उन्होंने सोचा कि अब तो पहरेदार जो है वो टोकरों को खोलकर नहीं देखते, इब्तिदा में वो खोलकर देख रहे थे लेकिन रोज रोज के काम से उकता गए थे, अब उन्होंने टोकरों को खोलकर देखना बंद कर दिया। तब उन्होंने क्या किया कि उस टोकरे में बैठकर फरार होने की तरकीब सोची। एक रोज शाम में शिवाजी महाराज ने हीरो जी को अपनी जगह सुलाया, मदारी से कहा कि वो हीरो जी के पैर दबाते रहें। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे एक टोकरे में बैठ गए। एक के बाद एक तमाम टोकरे पहरेदारों के सामने से गुजरे, क्योंकि अब पहरेदार जो है वो टोकरों को चेक नहीं करते थे, अब देखते नहीं थे, इसलिए ये टोकरे बिना देखे हुए पहरेदारों के सामने से गुजर गए और शिवाजी महाराज मुकर्ररा मकाम पर वो हिफाजत से पहुंच गए। वहां शिवाजी महाराज के वफादार खादिम घोड़े लिए तैयार खड़े थे। इस तरह शिवाजी महाराज उन घोड़ों पर बैठकर वहां से चले गए। इधर हीरोजी और मदारी दोनों बच गए थे, पहरेदार जो थे वो बाहर अभी भी पहरा दे रहे थे। इन्होंने भी क्या किया, महाराज की दवा लाने के लिए जा रहे हैं कहकर वहां से खिसक गए। महाराज को कैद से छुड़ाने के लिए उन दोनों ने अपनी जान पर खेल कर एक अहम जिम्मेदारी निभाई, यानी हीरोजी और मदारी दोनों ने शिवाजी महाराज और संभाजी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल कर ये अहम जिम्मेदारी निभाई। दूसरे दिन शहंशाह को ये खबर मिली, अपनी कैद से शिवाजी फरार हो गया।
शहंशाह होसे से आग बगोला हो गए। उनके तमाम सरदार घबरा गए शिवाजी को ढूंढने के लिए। बादशाह ने शिवाजी महाराज की तलाश में चारों तरफ जासूस रवाना की, लेकिन बेसुध। बादशाह की कैद से हमेशा के लिए मराठों का शेर फरार हो गया। शिवाजी महाराज बादशाह की कैद से आजाद होकर अपने मकाम की तरफ बढ़ रहे थे। भेष बदलकर उन्होंने अपना भेष भी बदला। भेष बदलकर दुश्मनों को चकमा देते हुए शिवाजी महाराज अपने मुल्क की जानिब रवाना हो गए। उन्होंने शंभाजी को मथुरा में एक महफूज मकाम पर रखा और खुद आगे बढ़ गए। शिवाजी महाराज को राजगढ़ में सही सलामत देखकर जीजाबाई को बहुत खुशी हुई। 2 महीनों बाद शंभाजी राजे भी सही सलामत राजगढ़ पहुंच गए। इस तरह शिवाजी महाराज ने बड़ी तदबीर से बादशाह की कैद से रिहाई हासिल की। ये वाकया साल सन 1666 का है। आज का सेशन यही खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मश कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको जहन नशीन कर लीजिए। और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको जरूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।